पीएम नरेंद्र मोदी के 70वें जन्मदिन पर सिंगरौली भाजपा जिलाध्यक्ष वीरेंद्र गोयल और भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा 14 से 20 सितंबर तक सेवा सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है। इस दौरान बेहड़न मंडल वार्ड क्रमांक 45 के भकुआर गांव में भाजपा जिलाध्यक्ष वीरेंद्र गोयल के नेतृत्व में दिव्यांग बच्चों को ट्राईसाइकिल, कान की मशीन आदि उपकरण का वितरण किया गया। जिले में यह संदेश और जागरूकता पैदा की थी कि लोगों को रक्तदान करना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से कई ऐसे लोग जो कि रक्त को न पा पाने की वजह से उनकी जानें चली जाती हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने यह पहल करके एक सार्थक कदम उठाने का प्रयास किया। आज हम इसी कड़ी में दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल, व्हील चेयर, ईयर मशीन और बैसाखी और स्टिक, इस तरह की चीज़ें दे करके उन दिव्यांगों को एक छोटी सी सुविधा दे करके लाभान्वित कर रहा है। कल हमारी एक वीडियो वर्चुअल कॉन्फ्रेंस है जिसमें कि हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी और माननीय मुख्यमंत्री जी उस वीडियो वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में यहाँ के स्थानीय 70 लोगों के साथ में जुड़ेंगे। उपकरण पाकर दिव्यांगों के चेहरे पर खुशी दिखाई दी। वहीं दिव्यांगों ने प्रधानमंत्री मोदी की लंबी उम्र की कामना की। भाजपा कार्यकर्ताओं ने इस दौरान ब्लड डोनेट, हॉस्पिटल में मरीजों को फल वितरण आदि सराहनीय कार्य किए। प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर और आदरणीय जिला अध्यक्ष श्री वीरेंद्र गोयल जी के निर्देश पर सेवा सप्ताह का कार्यक्रम 14 सितंबर से 20 सितंबर के बीच में मनाया गया। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन 17 सितंबर को था, इसके उपलक्ष्य में सेवा सप्ताह का कार्यक्रम पार्टी द्वारा तय किया गया। इस सेवा सप्ताह के अंतर्गत 14 और 15 तारीख को स्वच्छता अभियान का कार्यक्रम रखा गया, 16 तारीख को रक्तदान का कार्यक्रम युवा मोर्चा के, 17 और 16 को रक्तदान का कार्यक्रम युवा मोर्चा के द्वारा पार्टी कार्यालय में रखा गया था, 17 तारीख को फल वितरण का कार्यक्रम देवसर हॉस्पिटल में फल का वितरण किया गया। देश नेतृत्व के आह्वान पर जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गोयल जी के निर्देश पर हम सब भारतीय जनता पार्टी मंडल बैठन के लोग नरेंद्र मोदी जी के 70वें जन्मदिवस के अवसर पर सेवा सप्ताह के रूप में उनका जन्मदिन मना रहे हैं, 14 तारीख से 20 तारीख तक। सिंगरौली से उपेंद्र दुबे की रिपोर्ट। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।